किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विजय इंडस्ट्रीज खुरई यहाँ पर फील्ड पे आए हुए हैं। मल्टीक्रॉप थ्रेसर की आपको सीधा हम दिखाते हैं फसल में चलते हुए। और हमारे जो विजय खुरई, इनका हिंदुस्तान में उच्च क्वालिटी के कृषि यंत्रों में निर्माण में आप पहेट रखते हैं, इनका काफ़ी नाम है। और हम सर से इस शानदार प्रोडक्ट जो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है उसकी एक एक खासियतों के बारे में आपको बता रहे हैं। और इसके बाद हम आपको इस थ्रेसर की टेस्टिंग भी कराएंगे जो मटर पे चलेगी। और सारी यहाँ फसल का सेटअप लगा हुआ है, सारी क्रॉप पे इसको चलते हुए दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर जो विजय इंडस्ट्रीज खुरई का खास प्रोडक्ट है, इसकी एक एक खासियतों के बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है ये किन किन फसलों को निकालने में सक्षम है? ये सर सारी फसलों को निकालने में सक्षम है सर, बाकी मूंगफली को छोड़ के सर सारी फसलें निकालता है। गीली भी निकालता है सर, सूखी भी फसल निकालता है। सूखी का भूसा बनाता है, गीली का भूसा नहीं बनाता है सर। जी जी जी। अच्छा सर, इसको जब अपन पावर की बात आती है तो इसको कितने एचपी ट्रैक्टर से चलाया जा सकता है? सर मैक्सिमम 40 एचपी ट्रैक्टर होना चाहिए और इससे ज़्यादा एचपी का होना ही चाहिए ट्रैक्टर, जिससे थ्रेसर पे भी कम लोड पड़ता है और ट्रैक्टर पे भी कम लोड पड़ता है सर। सर जो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है ये सारी क्रॉप निकालने में सक्षम है, इसको हमारे किसान भाइयों को थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे उनको इस थ्रेसर को खरीदने के बाद बहुत सहूलियत हो सके। ठीक है सर, देते हैं सर। ये हमारा सर मल्टीक्रॉप है, टोकरी विद एलिवेटर मॉडल है। हाँ। इसमें क्या रहता है सर कि अपनी टोकरी लगी रहती है, जिस हाँ। कारण लेबर की भी बचत होती है सर। अच्छा, और एलिवेटर अच्छा। के कारण दो लेबर की वहाँ बचत होती है सर। यहाँ पर एलिवेटर की बात चलती है तो ये क्या एडजस्टेबल, मतलब ये इसकी ऊंचाई और नीचाई किसान एडजस्ट कर सकता है अपनी ट्राली के अनुसार। किसान इसकी ऊंचाई और नीचाई एडजस्ट कर सकता है और हमारे एलिवेटर में हम इको सिस्टम देते हैं। अगर एलिवेटर में अगर आपको अनाज नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बोरा लगा के आप अनाज ले सकते हो। हाँ। और अगर आपको तसले में अनाज लेना है तो यहाँ से क्लैंप को खोल के डायरेक्ट आप तसले में भी अनाज ले सकते हो। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए हमारे किसान भाई कितने फैन मॉडल है? सर ये 6 फैन मॉडल है हमारा। हाँ हाँ हाँ। और इसकी और हम आगे दिखाते हैं आपको इसमें क्या विशेषताएं हैं। यहाँ काफ़ी मजबूत चैनल और जो चद्दर लगाई गई, थोड़े इसके बारे में बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। सर हमारी जो सीड और एंगल लगाई जाती हैं वो सर टोटल ISI मार्का की लगाई जाती हैं। हमारी सीड जो कटती है वो प्लाज्मा के द्वारा कटिंग की जाती है। जी, जी, और जो भी बेल्डिंग जितनी भी पूरे रोबोट में बेल्डिंग है, पूरे मतलब थ्रेसर में बेल्डिंग है सर, वो रोबोट के द्वारा बेल्डिंग की जाती है, जिससे हमारी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल मजबूत बनती है सर, कभी ना टूटने वाली बेल्डिंग होती है सर इसमें। सर टायर साइज की बात करें सर तो इसमें किसान को कौन कौन से टायर ऑप्शन के तौर पे लगा सकता है? सर इसमें क्या रहता है कि मैक्सिमम 7/19 का टायर लगाना चाहिए, जिससे क्या जिसके कारण क्या रहता है थ्रेसर की हाइट भी ज़्यादा ऊंची बनी रहती है। हाँ। तो अपनी मेड़ वगैरह पे उसको थ्रेसर में परेशानी नहीं जाती है सर, नीचे लगने की प्रॉब्लम नहीं आती है सर। यहाँ थोड़ा सिस्टम भी दिया हुआ है, गांठ है और गांठ है, यहाँ से एक फैन ये दिया हुआ है। थोड़ा सा सफाई के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। जी सर, यहाँ से हमारे दो फैन दिए रहते हैं, दो फैन गांठों के लिए रहते हैं, फिल्टर्स द्वारा उठाते हैं और यहाँ से निकालते हैं। ये अपने बारीक भूसा बनाता है जो अपना थ्रेसर, ये यहाँ से भूसा निकलता है सर। और ये अपना पैरा के लिए सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ से आपको एक क्लैंप बंद कर देना है और आप आराम से यहाँ से पैरा निकाल सकते हो, यहाँ से पैरा निकलता है सर। और सर इसमें अलग से एक स्टैंड भी दिया हुआ है, इसका क्या विशेषता है इसकी? जी सर, इस स्टैंड की मुख्य विशेषता यह है कि गेहूं की फसल में टोकरी की जगह आप सूपा लगा के चलाना हो तो आपको टोकरी को निकाल के अलग रखना पड़ेगा। और आप थ्रेसर में सूपा लगाओगे तो उसमें फिर आप स्टैंड लगा सकते हो, इस पे आपका कस्टमर खड़ा भी हो सकता है सर। टोकरी हटाना पड़ेगी सर इसकी? जी सर, टोकरी हटाना पड़ेगी और आप सूपा से आप गेहूं की फसल निकाल सकते हो सर। और इसमें ये ग्रेडिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। जी सर, हमारे थ्रेसर की मुख्य विशेषता ये है कि हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं, जिसके कारण क्या रहता है कि अनाज
जितना भी अपना मतलब बात का जो गांठे वगैरह रहती हैं जो साफ नहीं आती हैं, तो इसमें से आप डाल के उसको साफ कर सकते हो सर। अच्छा अच्छा सर, हम थोड़ा सा टोकरी की जो ऊंचा या नीचा करने का सिस्टम है उसके बारे में भी बताइए हमारे किसान भाई। जी सर, हम लोग एक स्टैंड लगा के देते हैं, ये टोकरी को अप डाउन करने के लिए सहायता देता है, इसमें एक केबल लगी रहती है और सर ये अपना राउंडर है, इसको घुमाते जाओ तो अपनी टोकरी ऊपर आ जाती है और इसको घुमा दो तो अपने आप टोकरी नीचे चली जाती है। एक बात और बचती है सर, इसमें जो बेल्ट लगे हुए हैं और जो बैरिंग का यूज़ किया गया है, थोड़े हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए किस क्वालिटी की। सर NVC की बैरिंग लगा के देते हैं सर, फिक्स कंपनी के बेल्ट लगा के देते हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर रहती है सर, कभी नहीं टूटने वाले, बहुत ज़्यादा सर्विस रहती है सर। जी चलो किसान भाइयों, अब हम आपको दिखाते हैं ये मशीन मटर पर चलती हुई ये कैसा साफ दाना देती है और इसके परफॉर्मेंस कैसा है। अभी ये स्वराज 855 पे इसका हम टेस्ट कराने वाले हैं, तो किसान भाइयों हम ले चलते हैं आपको फसल कटती हुई दिखाने की ओर। भाइयों, हमने इस शानदार प्रोडक्ट को आपको स्वराज 855 FE में चला के दिखाया है और अब हम आपको दिखाने वाले, ये पूरी टीम खड़ी है, इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है और हम अब आपको दाना इसका दिखाते हैं कि इस मशीन ने कैसा दाना निकाला है। सर लोग सब अपने अपने हाथ में देखो दाना लिए हुए, काफ़ी बढ़िया इसने हरा मटर निकाला है और ये मशीन जो है सभी अनाज को निकालने में सक्षम है। और हम आगे दिखाते हैं कि इसने भूसा कैसा निकाला है, भूसा भी हम दिखाते हैं कि ये जो मशीन है विजय मल्टी क्रॉप थ्रेसर, सारी टीम लगी हुई है सर का, देखो सारा सेटअप जमा हुआ है, सारे ट्रैक्टर्स वगैरह, यहाँ हम फील्ड पे आए हुए हैं, हमको बहुत बढ़िया लगा आज यहाँ फील्ड पे इस मशीन को चलते हुए दिखाने वाले हैं आपको और दिखा दिया है हमने। देखो इससे ये हमने टेस्टिंग की है, इसका भूसा भी दिखाते हैं आपको, काफ़ी शानदार भूसा आया है। देखो ये जो अपना गाय भैंस वगैरह है उसको काफ़ी रोचक रहेगा, रुचिकर रहेगा। और सर से इस मशीन का जो भी थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में सर बताइएगा। सर इंडस्ट्रीज़ को रहिए जी जी, क्या इंट्रोडक्शन देना है सर, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बताइए हमारे किसान भाइयों के, ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। सर हमारी इंडस्ट्रीज संजय इंडस्ट्रीज़ के नाम से है खुराई में, विजय ऐसा ब्रांड के नाम से चलती है। हाँ। हमारी इंडस्ट्रीज़ में सर कल्टीवेटर, प्लाउ, सीड ड्रिल, हाँ हाँ हाँ, और अपना क्या कहते हैं थ्रेसर, अच्छा अच्छा, सारी मशीनें बनाई जाती हैं, लेबलर। हाँ हाँ, तो संजय इंडस्ट्रीज़, विजय इंडस्ट्रीज़, इनका एक स्लोगन है किसानों का असली गहना। तो किसान भाइयों वास्तव में आज हमारे पास उच्च गुणवत्ता के कृषि यंत्र रहेंगे
तो आपको ये जो जीवन में साथ देने वाली चीज़ है, जो कि अच्छे लोहे से निर्मित हो, उनकी सर्विस अच्छी हो, तो ऐसे जो उच्च क्वालिटी के कृषि यंत्र हैं, किसानों के जो गहना है, वो कहाँ मिलेंगे आपको? विजय इंडस्ट्रीज खुपराई, जो देश में अपना नाम, काफ़ी नाम बनाया हुआ है, किसानों की पहली पसंद है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज टाइम निकालने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी इंडस्ट्रीज में पधारे हो सर। आपके द्वारा हमारे लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जय किसान यूट्यूब चैनल के द्वारा। किसानों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि हमारी मशीनों के बारे में भी उनको विस्तृत जानकारी मिल रही है सर, और जिससे क्या रहता है किसानों को भी परेशानियाँ कम आती हैं, जिसके कारण क्या रहता है सर कि उनको सुविधा होती है सर। आपके चैनल के माध्यम से किसानों को सारी जानकारी मिल जाती है, तो आपका भी बहुत बहुत सर आभार है, धन्यवाद है सर। ठीक है सर, थैंक यू।